तो गुरु मेरी तरह कौन कौन सोचने लगा था कि साउथ मूवी बॉलीवुड को टक्कर देने लगी बट है। हमारी ओडिया मूवी इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों रह गई है। बट अभी वो सोच को तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि अभी फिलहाल जिधर भी देखो लोगों के जुबान पर बस एक ही मूवी का नाम है, दमन। तो क्या दमन मूवी वाकई इतनी अच्छी है? मैम दमन के लिए बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए, पैसा वसूल। मैं तो 10 में से 10 दूंगी, 10 out of 9 जरूर दूंगा मैं इसको। वेल, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इसने बड़े खूब कहा है, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए वो डॉक्टर को बना है। तो एक ऐसी मूवी है दमन जो इस बात पर खरा उतरता है। वो तो कहानी है एक यंग डॉक्टर की जिसका नाम सिद्धार्थ है, जिसको एक गांव में भेजा जाता है जहां ना मोबाइल नेटवर्क है, ना बिजली है, ना रोड है और ना ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज। वेल, पहले तो सिद्धार्थ गांव में रहने को पसंद नहीं करता है, बट उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि वो गांव में ही रहकर सबकी मदद करेगा। उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था ये तो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। तो आगे सिद्धार्थ इतना डेडिकेशन के साथ अपने काम को करता है, चाहे उसके सामने कितने भी ऑब्स्टकल्स आए वो पीछे नहीं हटता है, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इस मूवी का असली विलेन एक इंसान नहीं, एक मच्छर है, जिसे आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो इस मूवी को देखने जरूर जाएं, क्योंकि एक मास्टरपीस है। तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, इस मूवी के बजट के ऊपर। तो ये मूवी फिर से साबित कर देती है कि कम बजट में भी अच्छी मूवी बनाई जा सकती है। बात करें एक्टिंग की तो मूवी का हर एक किरदार इतना एक्चुअल और ऑथेंटिक एक्टिंग करते हैं कि मूवी का मजा पहले से ही आखिर तक बना रहेगा। स्टोरी को कहीं भी खींच खाच के लंबा नहीं किया गया है, पूरा आपका पूरा फोकस कंटेंट के ऊपर है, जिससे आपका नजर स्क्रीन से एक पल भी नहीं हटने वाली। स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी और मूवी का बीजीएम 5 out of 5, और जो भी सारे लोकेशन है वो सब रियल है, कोई VFX या CGI नहीं। इससे आप स्टोरी से बहुत जल्द और स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कर जाएंगे। तो आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो जरूर देखें, और देख ली तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।